वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी में इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का लेक्चर नंबर आप 12 देख रहे हैं। इसमें भाग 5, भारत के संविधान का सबसे बड़ा भाग है भाग 5, संघ। संघ में हम डिस्कस करेंगे आज यूनियन लेजिस्लेचर, जिसका नाम है हिंदी में संघीय विधायिका। संघीय विधायिका का काम देश में कानूनों का निर्माण करना है। तो लेजिस्लेचर देश के लिए कौन हुई? संसद। तो आज डिस्कस करेंगे संसद का पूरा स्ट्रक्चर, पूरे फैक्ट इसके पहले एक बार जान लेंगे। इसके बाद में हम आएंगे कि संसद कानून बनाती कैसे है। पहले एक बार स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो इस वीडियो को शुरुआत में लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। जितने भी फैक्ट पहले इसके स्ट्रक्चर से बने हैं, पहले उनको आप जो है सीखिए यहाँ से। तो लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर देश में कानूनों का निर्माण करने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है? संसद है। अब देश में कोई भी कानून जब बनता है तो सबसे पहले वो एक बिल की फॉर्म में होता है, एक विधेयक होता है। तो वो विधेयक लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, तो दोनों में पास होना जरूरी है। लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा से भी अगर वो पास हो गया, दोनों में पास होने के बाद में वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, सहमति दे देते हैं, तभी वो बिल जा करके एक कानून बनता है, एक अधिनियम बनता है, एक एक्ट बनता है। तो पहले इनका स्ट्रक्चर में लोकसभा को हम चेक करेंगे कि लोकसभा का कंपोजिशन किस तरह का है। आर्टिकल 79 संसद के बारे में बात करता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि संघ के लिए एक संसद होगी या देश में संसद का निर्माण जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग किया गया। आर्टिकल 79, तो संघ के लिए एक संसद होगी उसमें जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनी होगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा को हिंदी इंग्लिश में कहेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट और लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, ये होंगे। तो एज इट इज आर्टिकल मेंशन है हमारे संविधान में, इसको आपको याद रखना है कि संसद किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है संसद को। तो देयर शैल बी अ पार्लियामेंट और जिसके टू हाउसेस हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं इसके सदन का कंपोजिशन। देखिए इसमें होता क्या क्या है। लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। अब लोकसभा के अगर आप अलग अलग नाम देखोगे तो लोकसभा को क्या क्या कहते हैं, तो ये होता है लोअर हाउस, इसको बोला जाता है। इसी को निम्न सदन भी कहते हैं हिंदी में, या लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल, ये इसी के नाम हैं लोकसभा के। अब लोकसभा का जो आर्टिकल, अगर आपसे पूछेगी कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा की संरचना किस आर्टिकल में मेंशन की गई है, तो आर्टिकल 81 बात करता है किसके बारे में, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना या गठन के बारे में बात की गई है। तो लोकसभा कंप्राइजेस नॉट मोर देन 552 मेंबर्स। तो लोकसभा की जो अधिकतम संख्या होती है, हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो संसद में लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सभाओं के सदस्य जो होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो होते हैं, तो लोकसभा में कितने मेंबर्स अधिकतम हो सकते हैं, तो संविधान इसको, इस नंबर को जो है अलाउ करता है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 552 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, चाहे कम हो, अधिकतम इतनी है, चाहे इतनी ही रख लो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो लोकसभा का कंपोजिशन जिस तरह से बताया हुआ है, सवाल ऐसे बनता है इसमें, एक तो यही हो गया कि लोकसभा की संरचना या लोकसभा की रचना किस आर्टिकल में, आर्टिकल 81। दूसरा ये बन गया कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552। अब ये 552 में जो 530 सदस्य हैं, जो 530 सदस्य हैं ये हो सकते हैं निर्वाचित। ये इतने निर्वाचित होंगे, ठीक है, 530 ये कहाँ से निर्वाचित, ये राज्यों से निर्वाचित, ठीक है। इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया 552 को, किस तरह से 530 निर्वाचित होंगे किन से, राज्यों से। राज्यों से डायरेक्टली चुनाव के थ्रू आएंगे, यानी वो सांसद के जब चुनाव होते हैं, यानी जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, जब प्रधानमंत्री चुना जाता है। और 20 ऐसे सदस्य होंगे जो यूटी से चुने जाएंगे, यूनियन टेरिटरी से चुने जाएंगे, और दो होंगे मनोनीत, जिनको दो आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन होंगे, जिनको भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। आंग्ल भारतीय का मतलब आप यहां समझ लो, दोज पीपल हुज फोरफादर केम फ्रॉम यूरोप, ऐसे व्यक्ति जिनके पूर्वज जो है कभी ना कभी यूरोप के हों और अब जो है यहाँ करके इंडिया में बस गए और उनका वापस जाने का कोई इरादा नहीं है और उनकी औलादों ने यहाँ जन्म लिया है, तो वो होते हैं एंग्लो इंडियंस, ठीक है, आंग्ल भारतीय। तो ऐसे किन्हीं दो आंग्ल भारतीय को भारत के राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, 530 से ज़्यादा इलेक्टेड नहीं होंगे राज्यों से, 20 से ज़्यादा इलेक्टेड नहीं होंगे यूटीज से, और दो मनोनीत होंगे,
ये तो बता दी गई है एक फिक्स्ड, ये मैक्सिमम है, लेकिन वर्तमान लोकसभा में कितने हैं? तो वर्तमान लोकसभा में कंपोजिशन आपके सामने है, तो ये जो वर्तमान लोकसभा है अभी, ये 17वीं लोकसभा है जो 2019 से 2024 तक चलेगी। अभी बताया गया था कि वर्तमान जो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है, 552 अभी पीछे डिस्कस किया है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 545। 552 अधिकतम है, इस इतनी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, भले इससे कम हो, तो 545 तो 552 से कम ही है। हमको दोनों डेटा याद रखने, दोनों पर क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो 530 यहाँ भी बताया गया था, किससे 530 निर्वाचित हो सकते हैं, कहाँ से, राज्यों से निर्वाचित होंगे, 20 निर्वाचित होंगे किससे, यूटी से। तो यहाँ कितने हैं वर्तमान में, 530 राज्यों से हैं, जिसमें कि 13 यूटी से चुने गए हैं, ठीक है, जिसमें 7 सदस्य, 7 सांसद तो किससे हैं, दिल्ली से, और बाकी एक एक जो है बाकी 6 यूटी से हैं। 17वीं लोकसभा की बात चल रही है, तो 6 ये हो गए और 7 ये, 7 और 6 13, 13 और 2 एंग्लो इंडियन, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 2 आंग्ल भारतीय। तो इसी पर एक आर्टिकल भी बनता है, क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति जो 2 आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व, या जो आंग्ल भारतीय जो चुने जाते हैं, या राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत ये पावर मिलती है उनको। आर्टिकल 331 क्या करते हैं, आर्टिकल 331 कहता है कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। तो आर्टिकल 330, अब आप कहेंगे देखिए हमने यहाँ पर आर्टिकल 1, 2, 3 से चल रहे थे, तो आर्टिकल जो जहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत है, चाहे आगे के आर्टिकल हैं, हम यहीं मेंशन कर ले रहे हैं उनको, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल्स आपके आगे आने वाले हैं, लेकिन वो यहीं पूरे हो जा रहे हैं, अभी आर्टिकल सी फॉर्म में हमें पढ़ रहे हैं। अभी कॉन्सेप्ट वाला जो पोर्शन है आपका, कि संसद में कानून कैसे बनता है, पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे एक बिल जो है कानून बन के तैयार होता है, वो पूरा प्रोसेस लोकसभा के अंदर कैसे होता है, राज्यसभा के अंदर कैसे होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है ना, बिल कौन कौन से होते हैं, बिलों के टाइप कौन कौन से, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कौन कौन सी हैं, ये सारा अभी जो है एक अलग सेपरेट उसमें लेंगे हम, वो कॉन्सेप्चुअल है, और ये सामने जो आपके दिख रहे हैं ये फैक्ट हैं, तथ्यों को और जो परिकल्पना है दोनों अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। फैक्ट डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट उसके साथ में अटैच करके आपको याद रखना होता है। चलिए, तो लोकसभा में अभी ये सवाल ही बन रहा है कि लोकसभा में SC और ST सीट्स कितनी हैं। तो लोकसभा में जैसे 545 मेंबर हैं, 545 सदस्य हैं, तो इसमें से कितने सदस्य ऐसे होंगे जो SC और ST के होंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो लोकसभा में SCs मतलब शेड्यूल्ड कास्ट को बोलते हैं अनुसूचित जाति, और ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिनको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, के लिए सीटों का आरक्षण किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 330 में लोकसभा में SC ST सीट का आरक्षण है। तो वर्तमान लोकसभा में अगर आपसे पूछे कि वर्तमान लोकसभा में SC और ST के जो ST SC जो सांसद होते हैं या लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो कितनी संख्या है, अगर SC से पूछे तो 84 बताएंगे आप, और अनुसूचित जनजाति यानी ST से पूछेंगे तो 47, अगर दोनों को मिलाकर के पूछेगा तो 131 होती है ये संख्या आपकी, ठीक है। ये सारे फैक्ट हैं, और अब लोकसभा के निर्वाचन के लिए कुछ क्वेश्चन आपसे बनते हैं। हम जानते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि जनता जिसमें सीधे पार्टिसिपेट करती है, जब इलेक्शन होते हैं तो आप लोग वोट करने जाते हैं वहाँ मतदाता केंद्र पर, अपने अपने जो वोटर IDs हैं वो सब आप लेकर के जाते हैं, तो जब भारत की जनता डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, सीधे वोट करती है किसी को भी, अपने प्रतिनिधि को जिसको आप पसंद करते हैं, तो वो कहलाता है डायरेक्ट इलेक्शन। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन किसके होते हैं, सांसदों के होते हैं और विधायकों के होते हैं, यानी जब चुनाव होता है देश के प्रधानमंत्री का, अगर राज्यों की बात करें तो विधानसभाओं के चुनाव, वो हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे या भाग 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन के रूप में होता है। अब अगला है, एक क्वेश्चन और आता है कि भारत में मतदान करने की एज कितनी होनी चाहिए, भारत के जो युवा या नागरिक हैं मिनिमम एज कितनी है लोकसभा में मतदान करने के लिए, मिनिमम एज भारत के नागरिक की क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए। तो ये पहले उम्र हुआ करती थी 21 वर्ष, लेकिन इसको चेंज किया गया, तो चेंज कौन से संविधान संशोधन में किया गया था, 61st Amendment Act 1988, इसके तहत पहले भारत में जो है 21 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार है, यानी मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए थी पहले, लेकिन इसको चेंज किया गया कब, 88 में ही बदल दिया गया इस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, नंबर याद रखना है ये, अब क्या कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई है, याद रखिए, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, लोअर्ड दी वोटिंग एज फ्रॉम 21st year to 18 year, सिंपल। आर्टिकल 326 इसी की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा उसकी आयु 18 वर्ष है या उससे अधिक है, मिनिमम तो 18 होनी ही चाहिए, ठीक है, तो वो लोकसभा और जो विधानसभाओं के इलेक्शन, लोकसभा मतलब जब सांसदों के इलेक्शंस होते हैं और ये विधायकों के इलेक्शन जब होते हैं विधानसभा में, ठीक है, इनमें आप डायरेक्टली जो है चुनाव में अपना मतदान कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए है आर्टिकल 326।
अब लोकसभा की योग्यता क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कह सकते हैं, एजुकेशनल तो नहीं कहेंगे लेकिन क्वालिफिकेशंस, योग्यता है कि सदस्य लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन, तो ये आर्टिकल 84 में बताया गया कि क्वालिफिकेशंस ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। इसमें एक्चुअली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बताने का मतलब ये है कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, इसका मतलब ये हुआ, संसद का मतलब क्या होता है, संसद का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस आर्टिकल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य बनने की योग्यताएं आर्टिकल 84 में ही बताई गई हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, अर्हताएं, क्वालिफिकेशन, ये इसमें याद रखिएगा आर्टिकल 84 में है। अभी हम आर्टिकल वाइज पढ़ रहे हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट वाले आपका जो कुछ कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर्स हैं वो भी आएंगे, ठीक है। पहले इसका कंपोजिशन लोकसभा राज्यसभा करा देते हैं, फिर आपको संसद में कानून कैसे बनता है पूरा अंदर का प्रोसेस, कैसे सेशंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, बजट सेशन, इस तरह के जो चीज़ें हैं अभी बहुत आएंगे आगे इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए कहा जाता है। अभी देखिए लोकसभा में, अगर इसी आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 84 में बताया है, इसका क्लॉज सेकंड में, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या आप भारत के नागरिक होना ज़रूरी है, और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए। और ठीक इसी आर्टिकल में बताया हुआ है क्या, आर्टिकल के 84 के क्लॉज दो में ये है, ये भी क्लॉज दो में ही है, तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उसकी आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए, यहाँ 25 और यहाँ 30 साल। नेक्स्ट वन, अब देखो लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल टेन्योर कितने वर्ष का होता है। तो देखिए, तो ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के सदनों की अवधि भी किसने बताई गई है, आर्टिकल 83 में। आप कहेंगे आर्टिकल 84 पहले बता दिया, 83 बाद में, ठीक है, ये आप इनके अकॉर्डिंग याद करिएगा इसको, जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे ही करिएगा। आपको संसद के दोनों सदनों की अवधि किसने बताई गई है, यानी लोकसभा की अवधि, राज्यसभा की अवधि, यानी कितना कार्यकाल होता है इन दोनों सदनों का, वो आर्टिकल 83 में मेंशन है, और ये ऐसे इस तरह से बताया हुआ है, मैंने दोनों ही एक साथ ही मेंशन कर दिए हैं आपके लिए। तो इसमें क्या है, देखिए राज्यसभा का कार्यकाल अगर आपसे पूछे या लोकसभा का पूछे, ये दोनों जो है अनुच्छेद 83 के क्लॉज वन में राज्यसभा के दिए हुए हैं, अनुच्छेद 83 के क्लॉज सेकंड में, यानी वन और टू पॉइंट करके जैसे आप बनाते होंगे हेडिंग वगैरह, तो 83 के क्लॉज वन के अनुसार राज्यसभा का कभी विघटन नहीं किया जा सकता है, इसको डिसॉल्व, इसको भंग नहीं किया जा सकता है कभी, लेकिन इसके जो सदस्य हैं वो एक तिहाई सदस्य हर दो साल में सेनानिवृत्त, मतलब एक तरीके से क्या होते हैं, अवकाश पर जाते हैं, छुट्टियों पर जाते हैं, या फिर रिटायर होते हैं। अब इसमें क्या है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जब इलेक्शन जीत करके आते हैं, जब प्रथम बैठक होती है, प्रथम अधिवेशन होता है, इस दिन से लोकसभा का कार्यकाल शुरू होकर के 5 वर्ष तक का होता है, जब तक कि उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं किया जाता है या अगली लोकसभा नहीं चुन ली जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा स्थायी सदन है, तो ये राज्यसभा स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होती है, और कभी कभी इसके सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछ लेता है, सदस्यों का कार्यकाल इसके 6 वर्ष माना जाता है, और 5 वर्ष की अवधि से पहले भी जो है प्रधानमंत्री की परामर्श पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट पूछा जाता है आपसे, किसकी परामर्श पर, प्रधानमंत्री की, कौन करता है भंग, राष्ट्रपति, एज इट इज पूछा हुआ है। तो इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, किसके, लोकसभा के। तो कंपैरिजन यहाँ, इधर लोकसभा के हैं, इधर राज्यसभा के हैं, दोनों पॉइंट्स आपके सामने हैं। देखिए आप लोग पीडीएफ वगैरह के लिए, नोट्स के लिए मैं पहले साफ बता दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मेरे पास आपके मैसेजेस तो आए हैं, ठीक है, बट उनको मैंने भेजा है, फिर से पीडीएफ आप सेंड किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि 3000 लगभग स्टूडेंट्स हैं और 3000 को पीडीएफ भेजना जो है व्हाट्सएप के थ्रू बहुत मुश्किल काम है, मैंने ट्राई किया है अभी मॉर्निंग में ही, तो इन्वायरमेंट के, तो कुछ ग्रुप्स में पहुँच जा रही हैं, कुछ आपके पास पहुँच जा रही हैं, कुछ नहीं पहुँच पा रही, उसके लिए मैं बोलता हूँ अगर आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे, इस तरह का आपको आइकन दिखेगा उसका, टेलीग्राम को इंस्टॉल करने के बाद में उसमें जैसे आप व्हाट्सएप में अपना नंबर रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद में टारगेट सरकारी नौकरी, इस टेलीग्राम के एप्लीकेशन के अंदर जाकर के सर्च करेंगे टारगेट सरकारी नौकरी, तो जैसा आइकन जैसे नीचे दिख रहा है आपको चैनल का वो दिखाई देगा, वहाँ पर इन्वायरमेंट के सारे पीडीएफ लगा दिए गए हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट का कोर्स पहले ही बना दिया गया है, ठीक है, इन्वायरमेंट वहाँ से कर लेंगे, पीडीएफ भी इन्वायरमेंट के जो हैंड रिटन नोट्स जो आपको दिखते हैं ये वाले वो भी लगा दिए गए हैं वहाँ, और ज्योग्राफी के भी लगा दिए गए हैं, पॉलिटी के भी लगा दिए गए हैं। अब आपको अगर नहीं आ रही है ये चीज़ तो आप जो है किसी से हेल्प लीजिए, कैसे भी करिए, लेकिन वहाँ पहुँचिए, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा की, लोकसभा के अधिकारी कौन कौन होते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल अभी देखा हमने 5 वर्ष का होता है ये, तो उस दिन से जिस दिन से हो जाएगी पहली बैठक उस दिन ये
क्या है, पहले दिन से 5 वर्ष तक का कार्यकाल रहेगा। अब बात करते हैं ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला अधिकार जो हम पढ़ेंगे वो है प्रोटेम स्पीकर। एक होता है प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है टेम्पररी स्पीकर, अस्थाई अध्यक्ष कहेंगे इसको या टेम्पररी स्पीकर कहेंगे, विच इज़ अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। इसको सवाल आता है इसको अपॉइंट कौन करता है, ही इज़ अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक सीधे मेंबर की तरह ऑथ इसको दिलवाई जाती है। देखिए कैसे होता है, जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है, मान लीजिए 2019 के चुनाव हुए है ना, तो उसमें बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है जीत हासिल की उसमें, ठीक। चुनाव हो जाने के बाद में 543 जो इसके मेंबर हैं, 543 का इलेक्शन हुआ है ना, ठीक है, क्योंकि 530 किससे आए हैं, 530 राज्यों से थे और 13 किससे थे, यूटीज से थे, और दो एंग्लो इंडियन, उनको तो छोड़िए, ये वाले 543 के 543 ये कहाँ आएंगे, ये सारे के सारे दिल्ली आएंगे, और वो 17वीं लोकसभा, 17th लोकसभा को जो है स्टार्ट किया उन्होंने। और उन्हीं में से जब वो आएंगे यहाँ संसद दिल्ली, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उन सभी में से जो सीनियर मोस्ट, इन 543 में से जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट बंदा या सीनियर मोस्ट सदस्य होगा इन सभी में, उसको भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, ठीक है। एक मेंबर, लोकसभा के मेंबर की शपथ दिलाएंगे उनको, और उसको टेम्प्ररी स्पीकर बना देंगे, ठीक है। और जब तक कोई शपथ नहीं लेता है तब तक वो मेंबर नहीं कहलाता, याद रखिएगा, जब तक कोई शपथ नहीं लेगा तब तक वो मेंबर नहीं कहलाएगा किसी भी सदन का, लोकसभा चाहे राज्यसभा। तो जब तक मेंबर नहीं होगा वो, तब तक हाउस को वो क्या करेगा, वोट भी नहीं कर सकता हाउस में, ठीक है। तो एक टास्क यह है कि उसको मेंबर बना देंगे। अब ये मेंबर बन गया, मेंबर की शपथ इसको मिल गई, ये प्रोटेम स्पीकर बन गया, तो ही शेल एज एडमिनिस्टर्ड ओथ टू द अदर मेंबर्स। मतलब वो क्या करेगा, अब राष्ट्रपति ने क्या किया, राष्ट्रपति ने इसको शपथ दिला दी। एक व्यक्ति, देखिए 543 मेंबर में से राष्ट्रपति ने एक सीनियर मोस्ट सदस्य को चुन लिया और उसको लोकसभा के सदस्य की शपथ दिला दी राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति ने अपॉइंट कर दिया उसको शपथ दिलाने के बाद में कि ये रहेगा प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होगा, जो बाकी 542 बचे हुए हैं यहाँ पर, इन सबको क्या करेगा, वो शपथ दिला देगा सभी को, ठीक है, जितने भी बचते हैं इसके उन सबको शपथ दिलाएगा। और जब जैसे शपथ दिलाएगा तो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, अब ये सारे के सारे बन जाएंगे मेंबर्स ऑफ लोकसभा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब बनेंगे ये, अब ये वोट कर सकते हैं हाउस में, ठीक है, वहाँ की वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। और उनमें से जो है, इन सब में से अब चुनवा दिया जाएगा एक स्पीकर। तो जब हाउस को स्पीकर मिल गया, देन जो प्रोटेम स्पीकर पहले वाला था, अब देखिए जब इनको सबको शपथ दिलवा दिया आपस में, तो अपने आप में से ये कि चुन लेंगे किसको स्पीकर चुन लिया जाएगा। जब हाउस हाउस को एक स्पीकर मिल जाएगा तो प्रोटेम स्पीकर विल बिकम दी जस्ट एज ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ हाउस। तो जैसे ही नया स्पीकर चुन लिया जाता है तो जो प्रोटेम स्पीकर था वो एक अब एक नॉर्मल मेंबर की तरह ही रह जाएगा। वैसे ही जैसे संविधान की शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि जब सच्चिदानंद सिन्हा थे, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को जब हुई थी, तो उसमें क्या था कि पहले हाउस को चलाने के लिए, संविधान सभा को चलाने के लिए एक टेम्पररी अध्यक्ष को चुना गया था जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। वैसा ही अरेंजमेंट प्रोटेम स्पीकर के केस में देखने को मिलता है। तो सवाल यहाँ से क्या बनता है, एक तो ये बनता है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को लोकसभा का अस्थायी स्पीकर नियुक्त करते हैं, तो ये पॉइंट आपसे आ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा इसको। 17th लोकसभा की अगर आप बात करोगे तो अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, लोकसभा की 17वीं लोकसभा में अध्यक्ष कौन बने हैं, ओम बिरला हैं। और प्रोटेम स्पीकर की बात करोगे, जिनकी इस बारे में जिक्र चल रहा था, प्रोटेम स्पीकर कौन थे, वीरेंद्र कुमार, याद रखेंगे। सवाल आता है हु कंडक्ट इलेक्शन ऑफ स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, भाई स्पीकर का चुनाव किसके द्वारा हुआ है, अभी जस्ट प्रोटेम स्पीकर के द्वारा हुआ है। ऑप्शन में आपको राष्ट्रपति भी मिलेगा और आप राष्ट्रपति मार के भी आएंगे उसको सही, बट राष्ट्रपति इसका आंसर नहीं होगा, प्रोटेम स्पीकर, इसीलिए मेंशन किया है यहाँ पर, ठीक है। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रैक्टिस तब आप वहाँ समझ पाएंगे किस तरह की गलतियाँ आप लोग करते हैं। अब इसके बाद में आता है स्पीकर के बाद, अब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में भी देख लीजिए। तो इसमें आर्टिकल 93 में क्या मेंशन है, लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव करती है। तो तीन होते हैं प्रोटेम स्पीकर, तीन तीन चीज इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं, तीन होते हैं लोकसभा के, एक तो प्रोटेम स्पीकर, एक हो गया कौन स्पीकर, और तीसरा हो गया डेप्यूटी स्पीकर। तो अभी हमने देखा प्रोटेम स्पीकर का काम। अब जैसे ही वो सबको शपथ दिला देगा प्रोटेम स्पीकर, तो उनमें से लोकसभा अपने सदस्यों में से एक स्पीकर चुन लेगा और एक डेप्यूटी स्पीकर चुन लेगा आर्टिकल 93 की मदद से, ठीक है। मतलब ये आर्टिकल 93 इसको अलाउ करता है। तो प्रोटेम स्पीकर कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ स्पीकर, तो
तो मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट टू अमेंगेस्ट स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, यानी क्या होगा जब ऐसे ही इसमें देखिए देखिए जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, राज्यसभा का अध्यक्ष जो है राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, लेकिन जब लोकसभा का मेंबर ही बन सकता है केवल स्पीकर, इसलिए पहले शपथ दिलाई जाती है कि वो क्वालिफाई कर जाए सदस्य होने के लिए या स्पीकर बनने के लिए। तो जब इलेक्शन, जब स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है तो स्पीकर विल कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, तो डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाएगा, स्पीकर, ठीक है। वन ऑफ द मेंबर बिकम द डेप्यूटी स्पीकर और अलाउ कर देता है, इलेक्शन हो जाएगा इस तरह का अंदर ही लोकसभा के अंदर ही, ठीक है। तो रूलिंग पार्टी से ऐसा पहले कन्वेंशन बनाया गया था कि जो एक कन्वेंशन परंपरा ये बनाई गई थी कि जो रूलिंग पार्टी होगी जो जीत करके आएगी बहुमत से पार्टी, उससे स्पीकर चुना जाएगा और अपोजिशन पार्टी से डेप्यूटी स्पीकर, चाहे तो दोनों ही आ सकते हैं रूलिंग पार्टी से, ठीक है। और इसको जो है इसको पहले हटाया भी जा सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया भी जा सकता है किससे, इफेक्टिव मेजॉरिटी से, लेकिन 14 दिन का पहले नोटिस उसको भेजना पड़ेगा किसको, लोकसभा के अध्यक्ष को। ये इफेक्टिव मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, आगे जब एक लेक्चर आएगा जिसमें संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे तब उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, अब इसी में कार्यकाल भी पूछ लेता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्षों का होता है कार्यकाल, और लोकसभा का जो अध्यक्ष है स्पीकर है वो इस्तीफा जो है किसको देता है, ये सवाल बहुत पूछता है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा अपना रिजाइन या इस्तीफा किसको देता है, तो ये उपाध्यक्ष को सौंपता है, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा रिजाइंस टू डेप्यूटी स्पीकर, और अगर डेप्यूटी स्पीकर को पूछ ले या लोकसभा के उपाध्यक्ष को पूछे वो अपना इस्तीफा किसको देगा, स्पीकर को, यानी ये दोनों अपने आप को एक दूसरे को अपने इस्तीफे देते हैं, ये याद रखना। जब कभी भी किसी को पद छोड़ना होगा इन दोनों में से तो वो इस्तीफा देगा किसको, लोकसभा का अध्यक्ष देगा किसको, उपाध्यक्ष को, यानी स्पीकर देगा डेप्यूटी स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर देगा किसको, स्पीकर को। ये दोनों क्वेश्चन रिवर्सिबल हैं और आते हैं। सवाल आता है हु एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ द स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। स्पेशली मेंशन करता हूँ मैं उन क्वेश्चंस को जो आपके लिए डाउटफुल हो सकते हैं। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है और डेप्यूटी स्पीकर, ये दोनों लोकसभा का अध्यक्ष है चाहे उपाध्यक्ष है, और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन यानी राज्यसभा का उपसभापति, इन तीनों पदों की कोई भी शपथ नहीं होती है, याद रखिएगा इन तीनों पोस्ट की कोई भी शपथ नहीं होती है। तो इसके लिए कारण आपके सामने ये भी है कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होता है, ठीक है, जैसे भी डिस्कस किया था मैं, तो लोकसभा के सदस्य के रूप में वो शपथ पहले ही ले चुका है, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अलग से कोई शपथ इसको नहीं दिलवाई जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है, स्पेशली ये क्वेश्चन आपके लिए। तो देर इज ए नो ओथ फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर। अब बात करते हैं कि लोकसभा के स्पीकर कौन रहे पहले, तो जी वी मावलंकर हैं, आप जानते हैं फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज जी वी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर, ऐसे भी लिखा मिलता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुई, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार हुई, और वर्तमान लोकसभा 17th में कौन रहे स्पीकर, ओम बिड़ला। अब आर्टिकल नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 95 क्या है, जब अध्यक्ष यानी स्पीकर का पद खाली होता है तो उस कंडीशन में जो उपाध्यक्ष है वो लोकसभा की अध्यक्षता करने लगता है, और जब कभी भी ये दोनों ही पद खाली होते हैं तो उनमें से ही फिर से एक चुन लिया जाता है किसको, अध्यक्ष चुना जा सकता है जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी में से। पावर्स ऑफ, अभी लोकसभा की पावर्स की बात करें, इनकी शक्तियों की बात करें क्या है इसमें, देखिए तो सदन जो, मतलब लोकसभा की बात चली तो लोकसभा की कार्यवाही और संचालन का कार्य कौन करता है, ये लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ हैं। ये स्पीकर के क्या क्या पावर होती हैं, जैसे एक सदन बैठता है उसमें तो लोकसभा की जो कार्यवाही होगी, लोकसभा की कार्यवाही और उसका संचालन कौन करेगा, ये शुरुआत कौन कराएगा, स्पीकर कराएगा। लोकसभा की जितनी भी बैठकें होंगी उनका अध्यक्ष यही रहेगा। और अगला फैक्ट इसमें आता है कि अध्यक्ष जो है संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, जॉइंट सीटिंग होती है, उसकी अध्यक्षता भी यही करता है। नेक्स्ट वन, 10th शेड्यूल में लिखा हुआ है दल बदल उपबंध है, ठीक है, दल बदल कानून है, इसके आधार पर अगर लोकसभा के किसी भी सदस्यता की जो क्वालिफिकेशन है उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है वो किसके, तो ये काम केवल स्पीकर का होता है, दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय भी वही लेगा। और कोई भी जैसे बिल आते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, ये सब डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, तो कोई भी बिल जो है धन विधेयक, कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा ये डिसीजन किसका है, अध्यक्ष का होता है, किसके, लोकसभा के अध्यक्ष का, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो अध्यक्ष लोकसभा की जो संसदीय समितियाँ होती, पार्लियामेंट्री कमिटीज, इनके जो सभापति होते हैं जो चेयरमैन होते हैं इनकी भी नियुक्ति यही करता है। अध्यक्ष का कर्तव्य होता है कि वो गणपूर्ति, कोरम, अगर देखिए मिनिमम लोकसभा में जितनी
रिक्वायरमेंट होती है। कोरम का मतलब होता है एक तरीके से, देखिए कोरम का मतलब यहाँ समझ लीजिए आप, अध्यक्ष का कर्तव्य पहले बता दिया कि गणपूर्ति मतलब कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर सकता है। तो कोरम या गणपूर्ति जो है सदस्यों की, जो लोकसभा के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है जिनकी उपस्थिति में उस सदन का कार्य जो है चलाया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक सदन में क्या होता है एक्चुअली, तो मिनिमम क्या होता है, लोकसभा में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए ताकि उस सदन की जो है मीटिंग को चालू किया जा सके या शुरुआत की जा सके। तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होने जरूरी हैं मिनिमम, ये इसकी एक क्राइटेरिया है, मिनिमम इतने सदस्य होंगे तभी वो क्या होगा, वो सदन चलेगा। ठीक है, और कम से कम 25, और अगर राज्यसभा में पूछे तो राज्यसभा में ये संख्या होती है 25। तो ये आपको याद रखना है, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे जब कानून बनाने की प्रक्रिया हम देखेंगे। ठीक है, तो वो प्रथम मतदान में जो है भाग नहीं लेता है, कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन जब कभी भी प्रश्न उठा सदन में तो पक्ष विपक्ष अगर बराबर की वोटिंग हो जाती है तो वो अपना निर्णायक मत किधर भी दे सकता है, कास्टिंग वोट उसके हाथ में रहता है, इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। अभी बात करेंगे राज्यसभा की, राज्यसभा का कंपोजिशन भी देख लीजिए, आर्टिकल 18 में बताया हुआ है काउंसिल ऑफ स्टेट की कंपोजिशन, राज्यसभा की संरचना गठन आर्टिकल 80 में। राज्यसभा के कुछ ज़्यादा ही नाम है जो आपको यहाँ देखने हैं। देखिए राज्यसभा के अपने अपने अलग नाम है, राज्यों की सभा, हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ विजडम, अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा, ये सब एक ही सदन के नाम है। और ये आर्टिकल 80(1) में है कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 250, और 250 में से 238 सदस्य राज्यों से आएंगे और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे, कितने, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब देखिए कंपोजिशन ये है, ये इतना बता दिया गया, 250 होंगे, 238 सिलेक्टेड होंगे, 12 नॉमिनेटेड होंगे। ठीक, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में क्या कंपोजिशन है, 245 होते हैं जिसमें 243 निर्वाचित हैं, 12 नॉमिनेटेड हैं, 233 में से, ये 233 है सॉरी, ठीक है, 233 में 229 आते हैं स्टेट से, 4 आते हैं यूटी से, ये भी आप याद रखेंगे चुन करके। तो ये हुआ, अब राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा डज नॉट हैव इट्स टेन्योर, राज्यसभा का कार्यकाल शून्य होता है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, कभी आप 6 साल लगा के आ जाएं वो गलत हो जाएगा, टेन्योर कितना होता है इसका, शून्य होता है। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष, और इसमें देखिए एक स्थायी सदन है ये एक, और इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष जो है सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इसको डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर में। ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा के ऑफिसर्स कौन कौन से हैं, सभापति, ठीक है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, इसका सभापति होता है, देश का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है उपसभापति, तो राज्यसभा जो है अपने सदस्यों में से ही बीच में से क्या चुन लेती है, एक डेप्यूटी चेयरमैन को चुन लेती है। अब बात करते हैं आर्टिकल, इसकी पावर्स क्या होती है राज्यसभा की। देखिए राज्यसभा के पास पावर होती है कि राज्यसभा अगर चाहें किसी किसी राज्य की, देखो हमने 3 लिस्ट पढ़ी थी, एक तो यूनियन लिस्ट थी, एक स्टेट लिस्ट थी, एक कॉन्करेंट लिस्ट थी। ठीक है, यूनियन लिस्ट में ऐसे कानून, ऐसे विषयों के नाम है जिसमें केवल केंद्र ही कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट में ऐसे कुछ विषय हैं जिसमें केवल राज्य कानून बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे विषय हैं जिनपे केंद्र भी और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन कभी ज़रूरत पड़ी तो जो स्टेट लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट पर भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है, अपने यूनियन कानून बना सकता है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर, अगर राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, एक प्रस्ताव पास कर दे और किसको, पार्लियामेंट को भेज दे, तो वो फिर एक कानून बना सकती है। किस पर, यानी पार्लियामेंट, संसद जो है राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तो ये पावर किसके पास में है, अथॉरिटी, राज्यसभा अगर एक प्रस्तावित रेजोल्यूशन पास करे तब। आर्टिकल 312 में क्या है, पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इफ राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन इन दैट रिगार्ड। तो राज्यसभा अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। कैसे, अगर ये करेगी तभी होगा, वरना अपने से क्रिएट नहीं कर सकती संसद। ऑल इंडिया सर्विसेज देश में 3 है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS जिसे बोलते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज, 3 लिख लीजिएगा आपको, और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, और एक नई जो चौथी चौथी ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रपोजल आया था वो क्या था, ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, तो ये केवल लोकसभा से ही शुरुआत होती है इसकी, ये तो ये पावर्स हैं कुछ लोकसभा की जो इसके पास ही हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये हमने कंपोजिशन पढ़ लिया लोकसभा के, छोटे छोटे इनकी पावर्स को हमने देखा है, और अगला जो लेक्चर रहेगा इसमें इसकी कानून बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे कि अंदर बिल कैसे लोकसभा में जाता है, उस पर डिस्कशन किस तरह का होता है, कैसे वो राज्यसभा में पहुंचेगा, फिर कैसे कानून बन जाएगा वो। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को देखेंगे, मेजॉरिटी देखेंगे क्या क्या होती हैं, और संसद के जो सेशंस होते हैं और जो जॉइंट सेशंस होते हैं सबको डिस्कस करेंगे। अभी ये सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर है, यहाँ से जो एज इट इज़ क्वेश्चंस बने हुए हैं ये पहले फॉर्मेट समझ लीजिए, किसी चीज़ की बुनियाद जो फाउंडेशन होती है वो जाननी जरूरी होती है। अब आप जो है नेक्स्ट लेक्चर को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, और टेलीग्राम पर पहुँच जाइएगा प्लीज़, वहाँ पर
लगभग 6.7 के, यानी 6,700 लोग हैं ऑलरेडी ऐड, उसमें आप ऐड हो जाइए कैसे भी करके, हेल्प लेकर के किसी की भी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसका, टेलीग्राम का। थैंक यू सो मच।